प्रभास किचन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल और सावन स्पेशल ग्रीन फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट और व्हाइट फॉरेस्ट तो हम लोग बहुत खाते हैं, तो चलिए आज हम ग्रीन फॉरेस्ट केक बना करके देखते हैं। अब इसको हम पहले आपको काट करके दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा केक बना है ये। एक बार आप जरूर बनाइएगा, एकदम अलग तरीके का केक है ये। ये देखिए, ये देखिए, हम आपको दोनों तरफ से दिखाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर और कलर कितना प्यारा है इस केक का। ये देखिए, देख रहे कैसे कट रहा है, बहुत ही सुंदर केक है ये। ये देखिए, और इतना ज्यादा सॉफ्ट है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम एक कप दूध ले लेंगे। दूध हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रहेगा। उसमें हम डालेंगे ये एक चम्मच सिरका और एक चम्मच वेनिला एसेंस, दोनों को डाल करके हम मिला देंगे। इस पर हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उस पर हम एक इस तरह से स्टैंड रख देंगे और इसको ढक देंगे। ढक के इसे हमें मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। और अगर हम ओटीजी में बनाते हैं तो ओटीजी को भी हमें 200 पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। जिसमें केक बनाना है उसको ले लेंगे। आज हम इस तरह से छोटे भगोने में केक बनाने जा रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि सबके पास केक टिन नहीं होता है। अब इसमें हम सबसे पहले ये रिफाइंड से ग्रीस कर लेंगे, जैसे हम सारे बर्तन में करते हैं, चाहे केक टिन में बनाते हैं या गिलास में बनाते हैं, जिस भी चीज में आप बनाइए, किसी भी चीज में बनाइए, सब में केक बन जाता है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच मैदा और कोट कर लेंगे, जैसे हम सारी चीजें टू कोट करते हैं। ये हमने इसको अच्छे से कोट कर लिया। अब ये जो मैदा बचा हुआ है इसको हमें निकाल देना है। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड और आधा कप पिसी हुई शक्कर। दोनों को हमें अच्छे से मिलाना है जब तक कि ये एक तरह ना हो जाए। इस तरह से हमने शक्कर और रिफाइंड को अच्छे से मिला लिया। ये देखिए दोनों कितने अच्छे से पफी हो गए हैं। इसको हमने 1 मिनट करीब मिलाया है। अब हम एक इस तरह से छन्नी ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा की जगह आप आटा भी ले सकती हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। दोनों को अच्छे से छान लेंगे। हमने गिलास में जो सिरका और वेनिला एसेंस डाल करके रखा था, ये हमारा अच्छी तरह से, ये देखिए बटर मिल्क तैयार हो गया है। अब हम इस दूध को इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डाल करके हमें इसे मिलाना है। और एक तरफ ही मिलाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना हमको। अब इसमें हम थोड़ा दूध और डालेंगे अलग से और मिलाएंगे। ये देखिए हमारा बैटर बनकर के तैयार हो गया है। इसमें 1.5 कप दूध लगा है। अब हम उसमें डालेंगे 2 से 3 बूंद ग्रीन कलर, क्योंकि हम ग्रीन फॉरेस्ट बना रहे हैं इसलिए हमें ग्रीन कलर तो नहीं डालना है। अब इसको हम मिला देंगे। ये मेरा बैटर तैयार हो गया। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमें इसे बनाना है। अब हम जिसमें बेक करेंगे उसको ले लेते हैं और उसमें हम इसको डाल देंगे। हल्का से इसे हम इस तरह से
टैप करेंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले चढ़ा दिया था, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसको हम खोलते हैं और ये जो हमने केक का बैटर तैयार किया है इस पे रख देंगे और इसे हम ढक देंगे। इसको हम 40 से 45 मिनट तक मीडियम आंच पर बेक करेंगे। अगर हम ओटीजी में रख रहे हो तो 160 या 180 पर आप 30 से 35 मिनट के लिए बेक करें। इसको पकते हुए 40 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया केक हमारा फूला है। अब हम एक टूथपिक ले लेंगे और इस तरह से बीच में डालेंगे और देखेंगे। तो ये देखिए एकदम साफ निकल आया है, कुछ भी नहीं लगा है इसमें। इसका मतलब है कि केक हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे, हमारा ठंडा हो गया है। अब हम एक चाकू ले लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से कर देंगे और एक प्लेट ले लेंगे और इसको हम पलट देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा केक बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा केक बना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और ये जिसमें हमने ये केक बनाया है उसी से हम इसको ढक करके 4 से 5 घंटे बाद आइसिंग करेंगे। इसको रखे हुए 5 घंटा हो गया है, ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये ठंडा हो गया है। अब हम इसकी आइसिंग की तैयारी कर लेते हैं। हमने 100 ग्राम पिस्ता चॉकलेट ले लिया है। ये चॉकलेट बाजार में मिल जाती है, जहाँ पर हम ये व्हाइट और ब्लैक कंपाउंड लेते हैं वहीं पर ये पिस्ता कंपाउंड भी आराम से मिल जाता है। अगर आपको पिस्ता चॉकलेट नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाइट चॉकलेट डाल सकते हैं इसमें। गैस पर एक भगोना चढ़ा दिया है और उसमें हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी हमारे खौलने लगा है। अब उसके ऊपर हम ये इस तरह से बाउल रख देंगे। अगर ये ऐसा बाउल आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टील का कोई भी बर्तन रख सकते हैं इसके ऊपर। अब इसमें हम ये जो पिस्ता चॉकलेट है इसको डाल देंगे और गैस को हम एकदम धीमी कर देंगे। चॉकलेट हमारी पिघलने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम मलाई। ये घर की मलाई है, आप इसकी जगह अमूल क्रीम भी डाल सकती हैं। और दोनों को डाल करके हमें अच्छे से पिघलाना है। चॉकलेट हमारी देखिए पिघल गई, अच्छे से गनाश तैयार हो गया। अब हम गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारा गनाश तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हम एक प्लेट ले लेंगे और ये थोड़ा सा चॉकलेट ले करके कद्दूकस कर लेंगे। चॉकलेट को कद्दूकस कर लिया है। इसमें एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये 100 ग्राम व्हिप्ड क्रीम, जिसको हम हमेशा बताते हैं कि एकदम ठंडा होना चाहिए क्रीम हमारी, क्योंकि अगर ठंडा नहीं रहेगा तो वो व्हिप्ड। ये हमने बैलू स्टार क्रीम लिया है, ये बाजार में मिल जाता है। क्रीम को व्हिप कर लेंगे, पहले हम धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद हम इसकी तेज कर देंगे। ये क्रीम हमारी ये देखिए अच्छे से व्हिप हो गई है। इस तरह से ये उठने लगे तो समझिए कि हमारी क्रीम हो गई है। केक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम इसके ऊपर की लेयर निकाल देंगे इस तरह से, फिर इसको हम हमने 3 लेयर में काट लिया है, 1, 2 और 3। इस तरह से एक केक बेस ले लेंगे, इस पे हम केक रखते हैं और इस पे हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और ये अपना एक रखेंगे। अब इस पे हम डालेंगे ये जो हमने गनाश बना के रखा हुआ है, इस पे हम थोड़ा सा इस पे डालेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम ये क्रीम डालेंगे। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ये
जो चॉकलेट घिस करके रखा हुआ है इसको हम ऊपर से डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे इस तरह से, और हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे। अब फिर से हम ये जो गनाश बना के रखे हैं इसको डाल देंगे इसके ऊपर। क्रीम लगाएंगे, थोड़ा सा हमने पिस्ता लिया हुआ कटा हुआ इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। अब हम ये तीसरी लेयर इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इस तरह से एक कैंची ले लेंगे ये, और इसका किनारा काट देंगे। ये किनारे काटने से क्या होता है कि हमारा जो केक बनता है वो बहुत आराम से चारों तरफ से बराबर बनता है और क्रीम कम लगती है, क्योंकि इसको छुपाने के चक्कर में हमें क्रीम ज्यादा लगानी पड़ जाती है। इसलिए अगर आप इसको साइड से काट देंगे तो ये केक हमारा बराबर बन जाएगा। अब हम केक की अच्छे से आइसिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमारी आइसिंग हो गई है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और एक गिलास ले लेते हैं इस तरह से, और एक एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसमें हमने स्टार नोजल लगा दिया है। अब इसमें रख करके हम ये क्रीम भर लेंगे। ये हमारी पाइपिंग बैग तैयार हो गई है क्रीम डाल करके। गनाश को हमने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये देखिए ये अच्छे से ठीक हो गया है। इसको हल्के हाथों से इस तरह से हम इसी चम्मच से ही इस तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से फिट गई है, एकदम क्रीम की तरह देखिए चॉकलेट मेरी फिट गई है। इसको हमने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। इस तरह से हमने एक और नोजल ले लिया है। अब इसको भी हम एक गिलास ले लेंगे और इसमें डाल लेंगे इस तरह से। पाइपिंग बैग हमारा तैयार हो गया है। अब हम केक में डिजाइन बनाते हैं। तो ये हमने नोजल ले लिया, अब इसको हम इस तरह से अब ये जो हमने व्हाइट में भर के रखा हुआ है इसको हम नीचे बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए मेरा केक बनके तैयार हो गया है। अब ये जो हमने चॉकलेट घिस के रखी हुई है इसको हम इसमें डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ा थोड़ा ये साइड में भी हम लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ी सी चेरी एक दो, तो ये लीजिए मेरा ग्रीन फॉरेस्ट केक बन करके तैयार हो गया है। तो अब की बार राखी पर अपने भाइयों के लिए जरूर बनाइएगा, ये एकदम अलग तरीके का केक है। तो आप लोग एंजॉय करें इस केक के साथ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।